तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि लूप क्या होते हैं। लूप हम कब यूज करते हैं? जब हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड को हमें मल्टीपल टाइम्स या फिर किसी सर्टेन कंडीशन को ट्रू होने तक हमें उसको रहना, मतलब एग्जीक्यूट करते रहना है, तब तो उस कंडीशन में हम लूप का यूज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? फॉर लूप कब यूज करते हैं? हमें कोई एक रेंज दी रखी है एंड उस रेंज के अंदर हमें अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते रहना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है, देन उसका सिंटैक्स देखेंगे। फॉर लूप है वो तीन एक्सप्रेशन को यूज करके बनता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट होगा एंड इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, लूप को इनिशियलाइज करेंगे, एंड इसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, एंड अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी देन लूप की जो बॉडी, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड इसके बाद में पोस्ट एक्सप्रेशन मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं इसमें। एंड इसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो सेम प्रोसेस होगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड अगेन पोस्ट एक्सप्रेशन एंड सेम साइकिल में ये चलता रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर एंड फॉर कीवर्ड एंड देन पैरेंथेसिस में हमें तीन एक्सप्रेशंस दिए हुए। तो सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, एंड सेकंड है कंडीशन, एंड थर्ड है फाइनल एक्सप्रेशन या पोस्ट एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन है वो ऑप्शनल है, हम चाहें तो इन्हें यूज करें या फिर हम अपने अकॉर्डिंग यूज ना भी करें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। तो सबसे पहले फॉर लूप का हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक फॉर इस तरह से फॉर लूप, एंड इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने किया लेट आई इक्वल्स टू जीरो से इनिशियलाइज किया, एंड आई इज कंडीशन क्या होगी, लेस देन फाइव, एंड आई को हमने पोस्ट एक्सप्रेशन में प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट किया। एंड इसके बाद हम अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें क्या लॉग करना चाह रहे हैं, आई की वैल्यू को लॉग करना चाह रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई कॉलन एंड कॉन्केटनेट करके आई को इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर हम इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ आई 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को हमने 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर लिया है, एंड इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट भी कराते जा रहे हैं। तो ये हुआ सिंपल सा एक फॉर का एग्जांपल फॉर लूप के लिए। अब फ्रेंड्स इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर, जैसा कि हमने कहा कि ये ऑप्शनल है, यहाँ पर तीनों एक्सप्रेशन जो ऑप्शनल है, तो अगर हम सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू जीरो से हमने बाहर इनिशियलाइज किया, एंड इस वाले पार्ट को मैंने अभी यहाँ से हटा दिया। तो देखिए जैसे हम सेव करेंगे सेम रिजल्ट हमें यहाँ मिलता है, एंड इसके बाद हम चाहें तो इस वाले पार्ट को भी हटा सकते हैं, एंड यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं, अंदर यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं इस तरह से, इफ I is greater than means greater than or equals to 5 हो जाएगी, तब हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। तो देखिए अभी भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब I की वैल्यू greater than और equals to होगी 5, तो हम इसको ब्रेक कर देना है, यहाँ पर 4 तक ही हमारा लूप चल रहा है अभी। एंड इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को भी हटा सकते हैं, एंड इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से आई प्लस प्लस। देखिए अभी भी हमारा जो लूप है वो चल रहा है और सेम आउटपुट हमें मिल रहा है अभी भी। तो इस तरह से हम अपने मीन्स फॉर लूप को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑप्शनल हैं यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर लूप को हम किस तरह से यूज करते हैं। हम एक अरे की वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक अरे ले लेते हैं,
एंड एक अरे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स के लिए एक अरे ले लेते हैं, तो फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के लिए हमने एक अरे में किस तरह से वैल्यू ली, एप्पल बनाना एंड मैंगो इस तरह से ले सकते हैं हम यहाँ पर। एंड अब ये फ्रूट्स की वैल्यूज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फॉर लूप में कैसे कर सकते हैं, फॉर हमने फॉर में एक लेट से लेट आई इक्वल्स टू जीरो से, क्योंकि हमें जीरो इंडेक्स से लेना है आई, एंड आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, अरे की लेंथ हमने फाइंड की एंड आई को प्लस प्लस करते जाना है, एंड साथ में यहां पर हम इसको कंसोल डॉट लॉग, एंड किस तरह से वैल्यू को हम करेंगे फ्रूट्स की जो है हमें यहाँ पर इंडेक्स पास कर देना है आई। देखिए अगर हम सेव करेंगे तो हम इसको इस तरह से हमने अरे की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, तो इस तरह से हम यहाँ पर अरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर लूप से। तो फ्रेंड्स ये था फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है फॉर लूप को, तो प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।